हम बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते हम? अगर आजाद देश है तो हमें कहना चाहिए अपनी बात, पर हमारी आवाज जा रही है, पर ये हमारे प्रधानमंत्री के पास तक क्यों नहीं जा पा रही है हमारी बात, ये बताएं आप, क्यों नहीं हो रहा है? यही बस इंडिया में यही ये फ्रीडम में नहीं मिल पा रही है, बाकी सारे देशों में देखें, आप सऊदी अरब में देखें, चाइना में देखें, जहां जहां रेप हुआ है वहां उन्होंने ऐसा कदम लिया है कि वो दोबारा हिम्मत नहीं कर सकते। यहाँ हमारे इंडिया में इतना चीज ऐसा क्यों हो रही है कि हम लोग हम ऐसे ही उसमें जा रहेंगे कि लड़कियां ये नहीं है, लड़कियां सारी चीजें लड़कियों के ऊपर है, सब चीज लड़कियां गलत है, बाहर जा रही है लड़कियां गलत है, लड़कियां कपड़े ऐसे पहन रही है लड़कियां गलत, लड़कों का क्या, लड़कों की नजर कितनी साफ है। और हम चाहें कि हम आधी रात को घर से 10 बजे ही मान लें, अगर हम 10 बजे निकलना चाहें तो हमारे पेरेंट्स निकलने देंगे किसी को? नहीं नहीं देते। क्यों? क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए, चलो निकलने भी देना स्टार्ट भी कर दिया है तो अब ये जो नई खबरें आ रही है रोज कभी कुछ इसकी सुनते कभी भी कोई निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। अब बताएं, जब अब पहले सरकार क्या कहती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी पढ़ा भी ली तो बचाएं कैसे, किससे बचाएं? पेरेंट्स जब बाहर भेज रहे हैं तो बताएं कैसे भेजें, जब हमें हम घर पर सेफ नहीं है, अपनी सिटी में अपनी कंट्री में सेफ नहीं है तो हम आउट ऑफ कंट्री कैसे वर्क कर सकते हैं जब अपनी कंट्री में ही सेफ नहीं है? आप लोग खुद बताएं कौन कब तक अपने हम लोग पेरेंट्स से, अब पहले तो ये था कि लड़कियों को पढ़ाओ नहीं, अब लड़कियों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया तो फिर अब बचाएगा कौन लड़कियों को? बताएं कौन कौन हमें दिलाएगा भरोसा कि हम सेफ हैं? अपनी पहली अब आप पहली मांग क्या है आपकी? मेरी पहली मांग हमारी यही है क्योंकि फांसी दो 24 घंटे देखें, आप अवर कंट्रीज में देखें सब कुछ भी होता है लड़कियों के साथ, कहीं पर भी कुछ भी होता है फौरन 24 घंटे के अंदर फैसला होता है। एक हमारी कंट्री इंडिया है पीछे है कि लड़कियों के साथ ना जाने कितनी लड़कियों के साथ कितने गंदे गंदे काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उनकी मर्डर हो रहे हैं, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक लड़की इंडिपेंडेंट जो कहते हैं इंडिपेंडेंट हो गई, तो पर लड़कियां आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक आप लोग एक कानून अच्छा नहीं बनाएंगे, हाथ के हाथ उनका फैसला नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे, जब तक लड़कियां सेफ नहीं है। सर मेरा नाम पिंकी गौतम है और हम जितनी भी महिलाएं यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, हम सब की मांग यही है कि सबसे पहले उनको फांसी हो या उससे भी कोई दर्दनाक सजा हो तो वो उसको देनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जैसे आप बात आती है महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण महिला अभियान चलाए जाते हैं वो सिर्फ कागजों में और बातों में, उसके अलावा कोई भी ऐसा काम या ऐसी सरकार हमारे लिए नहीं कर रही है। आए दिन अभी देखो ठाकर द्वारे का केस, अभी देखो कहीं और का केस, अब फिर से ये, उससे पहले मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना हुई उसको छुपा दिया गया, जो गीत सीम कुछ करके पाकिस्तान से जो महिला आई उसमें उसको छुपा दिया गया, उसको नहीं बोला, उस महिलाओं के साथ इतना बुरा अत्याचार किया। हम लोग अपने घर में सेफ नहीं है, हम लोग अपने परिवार में सेफ नहीं है, हम लोग अपने जिले में सेफ नहीं है, अपने प्रदेश में सेफ नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं तो लोग हमें भेड़ियाओं की नज़र से देखते हैं, हमें गलत नज़र से देखते हैं। तो सबको, मैं किसी लड़के को या किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं कर रही कि भाई नहीं उसको फांसी दे देनी चाहिए, मगर जो गलत करे, जो वाकई में भेड़िया है, जो वाकई में गलत है, उसको सजा देनी चाहिए।